दोस्तों मैं अभी कालिंदी कुंज के पास हूँ, 9 नंबर पार्क, ठीक यहीं पे अमानतुल्लाह खान यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए आप, फ्रीडम फाइटर्स फाउंटेन, आप सबको मालूम है एक फ्रीडम फाइटर फाउंटेन जामिया के पास तिकोना पार्क ऑलरेडी बना हुआ है, अब ये दूसरा यहाँ पे बन। जिन लोगों को इसका ठेका मिला है मैं उनसे बात करूँगा कि कब तक कम्प्लीट हो जाएगा, इसमें क्या क्या होगा और क्या कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, इसको बनवा रहे हैं। पहले मुझे नाम बताइए अपना। अरशद, ये बताइए आप यहाँ पे क्या बना रहे हैं, जो बन रही जगह क्या है ये? ये तो मैं देख रहा हूँ कि फ्रीडम फाइटर फाउंटेन बन रहा है, तो क्या क्या बनाएंगे आप यहाँ पे? यहाँ पे क्या बनाएंगे खाली जगह जो है? यहाँ पे फ्रीडम, देखिए ये जो जगह आप खाली वाली देख रहे हैं, यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके फोटो आएंगे, और वहाँ एक आप देख रहे होंगे लगा हुआ, वो ठीक वही चीज़ आएगी इन लोगों के मुताबिक जो यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिल्ली में आपका स्वागत है, ओखला विधानसभा। एक तरफ आप ओखला के MLA अमानतुल्लाह खान की फ़ोटो है, और वहाँ किनारे में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल उनकी फ़ोटो है। नीचे यहाँ पे यह फाउंटेन बन रहा है, देखिए ये मुझे यहाँ पे आप देखिए पूरा फाउंटेन है, 1, 2, 3, 4 से उधर वो गोल का है, तो क्या 15 तक कंप्लीट कर देंगे इसको आप लोग? 15 तक इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे, पक्का हो जाएगा ये सुबह में। अच्छा, ये चीज़ें जो है इसमें लाइट वाइट भी कहीं पर रहेगी क्या? शाम में लाइट रहेगी, झंडे वाली रंग बिरंगी लाइट रहेगी, पानी का फुहारा चलेगा ऊपर, 1, 2, 3 इधर, 1 उधर। वो जो वहाँ गोल वाला वो क्या है? वहाँ बड़ा वाला फुहारा लगाएंगे, गोल वाला, वहाँ भी फुहारा ही लगेगा, वहाँ पर भी लगेगा। पीछे उसमें अमानत की फोटो लगेगी, और ओखला के और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी लगेगी। नहीं नहीं, काम को देख के तो लग नहीं रहा कि 15 तक कंप्लीट हो जाएगा ये। 15 तक कंप्लीट हो जाएगा, 15 तक कंप्लीट हो जाएगा। इधर पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे काफ़ी अच्छे वाले इधर, और इधर भी पेड़। अच्छा, पौधे भी लगेंगे यहाँ पे? देखिए इनके मुताबिक अरशद हमें बता रहे हैं कि ये जो जगह आप देख रहे हैं इस फुवारे के इधर किनारे में दीवार के पास, इस सभी जगह पे पेड़ लगाए जाएंगे, छोटे छोटे पौधे लगेंगे, और इधर भी पौधे लगेंगे जितनी जगह आप देख रहे हैं। देखिए आपको मैं बता दूँ कि जामिया के पास तिकोना पार्क के पास ऑलरेडी एक फ्रीडम फाइटर्स फाउंटेन बना हुआ है, वो इससे मुकाबले छोटा है ज़रा, वो भी बहुत अच्छा है, लोगों को अच्छा लगता है। जो ओखला के लोग आते हैं, जो ओखला में आते हैं वो फाउंटेन को देखते हैं, अच्छा लगता है उनको। लेकिन यहाँ पे जो फाउंटेन बन रहा है उसके साथ एक ख़ास बात यह है, ये वाला फाउंटेन ऐसी जगह पर बन रहा है जहाँ जो लोग नोएडा से दिल्ली आते हैं, आपको बता दूँ ऐसी जगह है, ये देखिए आप, ये जगह देखिए, ये बदरपुर की तरफ से, सरिता विहार की तरफ से लोग आ रहे हैं, ये जितने लोग जा रहे हैं ये नोएडा की तरफ जा रहे हैं, नोएडा की तरफ, बदरपुर की तरफ, तो यहाँ पे हज़ारों, बल्कि यूँ कहें कि रोज़ाना इस रोड से लाखों लोग गुजरते हैं, और वो सब के सब इस फाउंटेन को देखेंगे। जो जामिया नगर फाउंटेन था वहाँ पे, उसको सिर्फ वो लोग देखते थे ज़्यादातर जो बटलाहौस आते थे, अबुल फजल में आते थे, जाकिर नगर जाते थे, कुछ लोग नोएडा भी जाते थे। लेकिन ये जगह ऐसी है, ये भीड़ देखिए आप, ये देखिए आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये जगह ऐसी है कि इसको लाखों लोग रोज़ाना इस फाउंटेन को देखेंगे। हो सकता है जो लोग अमानत के विरोधी हैं या जो लोग दूसरी पार्टी के हैं वो ये कह सकते हैं कि इसमें पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि इलाके में जो नाली खुदी हुई है, रोड साफ़ नहीं है, गंदगी है, उस पर काम किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन काम है, और जो लोग यहाँ से गुजरेंगे उनको अपने फ्रीडम फाइटर को देख कर बड़ी खुशी महसूस होगी, और उन सब में देशभक्ति का एक जज्बा पैदा होगा, और इस तरह की चीज़ें बननी चाहिए। जामिया के बाद यहाँ पे भी बन रहा है, और ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब मैं फिर आपको इसका वीडियो दिखाऊंगा। फिलहाल इसकी तैयारी आखिरी मरहले में चल रही है। जो अरशद है ये इसके इंचार्ज है, इनके साथ और भी बहुत से लोग काम करने वाले हैं, और ये लोग ये हमें एश्योर कर रहे हैं कि 15 तक बिल्कुल ही बन जाएगा। तो अरशद मुझे ये बताइए कि कितने दिनों में ये काम मुकम्मल हो रहा है लगभग आप लोगों का? ये मेरे ख्याल में ऐसे होगा तो 2 महीने होगा। 2 महीने में आप लोगों ने पूरा कम्प्लीट कर दिया है। अच्छा, मुझे ये बता सकते हैं आप इस पूरे प्रोजेक्ट में खर्च कितना आया होगा? नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता, इसका आपको अंदाजा नहीं है कितना खर्च आया होगा। पर यहाँ हंगामा भी हुआ था, पिछले कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया था, हुआ था उसकी वजह से 10-5 दिन के लिए काम रुका था हमारा, कुछ दिनों के लिए काम रुका था, उसके बाद फिर चालू हो गया था। अच्छा, 15 तक लोग इसको ज़रूर देख लेंगे, 15 का जिस दिन पूरा देश आज़ादी मनाएगा लोग इसे देख लेंगे, पक्का है 3 दिन के बाद देख लेंगे। हाँ जी, देखिए तो ये हमें अरशद बता रहे हैं कि 15 तारीख को ये काम पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा, और इस वाली जगह पे आप देखेंगे फ्रीडम फाइटर्स की फ़ोटो, और वहाँ जो है खाली जगह है, जो मुझे ये बता रहे हैं, हो सकता है कोई और चीज़ भी हो, वहाँ पे अमानतुल्लाह खान जो MLA है ओखला के उनकी फ़ोटो, और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब उनकी फ़ोटो लगेगी, जैसी कि वहाँ यहाँ पे लगी हुई है। देखिए यहाँ अमानत साहब है, वहाँ किनारे में केजरीवाल साहब है।
तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छा लगेगा लोगों को देखने में। देखिए 15 को हम देखते हैं, 800 हमें बता रहे हैं कि 15 को ये कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग भी देखेंगे 15 को। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छा है, उस दिन पूरा देश आज़ादी मनाएगा। तो ठीक उस दिन अगर यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स फाउंटेन तैयार हो जाता है तो ओखला के लिए एक अच्छी बात है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बहुत से लोगों को इस पर एतराज़ हो सकता है कि ऐसी चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप इलाके में जो दूसरे तरह के काम है वो करें, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ऐसी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। हाँ, वो काम भी होना चाहिए, मगर ये भी एक ज़रूरी काम है।